हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YET योर इंग्लिश ट्यूटर, योर ऑन यूट्यूब चैनल वेर यू लर्न इंग्लिश विद मी बाय वे ऑफ रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एंड हेल्प टू डू अवे विद द फियर्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम योर माइंड। जहां मेरे साथ द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ते हो और अपने दिमाग से इंग्लिश के डर को निकालते हो। टुडे विद द सेम अप्रोच वी आर गोना टेक अप द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द मॉर्निंग एक्सटेंडेड Folly. This editorial is based on the illegal detention of some former CMs and ministers in J&K, which has taken effect after the abrogation of Article 370 last August. पिछले साल 370 हटने के बाद से कुछ ministers को नजर बंद करके रखा है, उसके ऊपर अपना editorial based है। फटाफट से शुरू करेंगे। अपना अंदाज अलग है, आप जानते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट पढ़ने में इजी हो जाता है, आपके दिमाग में इंग्लिश का डर निकलता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसी अंदाज में एक्सटेंडेड फॉली। देखिए, फॉली क्या होती है? मूर्खता। फॉली होती है स्टूपिडिटी। फॉली होती है मैडनेस, पागलपन। और एक्सटेंडेड क्या है? हर वो चीज़ एक्सटेंडेड है जो अपने वक्त से आगे बढ़ गई है। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ी हुई, लंबी चलती हुई। कह रहे जो मूर्खता है बहुत लंबी चल गई है, बहुत लंबा जो आपने पागलपन हम दिखा दिया। फॉली के सब सिनोनिम्स को नोट करें। फॉली वर्ड आप अगर याद करके रखेंगे ना, तो इसके सिनोनिम्स तो बहुत ईजी हैं सबके सब। स्टूपिडिटी, फूलिशनेस, एब्सर्डिटी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एब्सर्डिटी है ना, मैडनेस आप जानते हैं। और एक्सटेंडेड को तो और भी ईजी है याद करना। देखिए, प्रोलोंग्ड, जो चीज़ प्रो हो, लॉन्गनेस के, लंबा चलने के साथ में हो, प्रोलोंग्ड हो, लंबी खिंची हो। प्रोट्रैक्टेड, ये भी वही होता है, कोई चीज़ लंबी खिंची हुई। इलोंगेटेड, देखिए लॉन्ग आ रहा है ना बीच में, लॉन्ग, किसी चीज़ को इलोंगेट करते हो, खींच करके, स्ट्रेच करके लंबा कर देते हो, जैसे कि रबर बैंड को, एक्सटेंडेड है ना। चलिए, किस बारे में मालूम चलेगा हमें? टाइटल पैराग्राफ से, कह रहा है डिटेंशन ऑफ फॉर्मर CMs अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट विल डिले रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी इन J&K। कह रहे जो डिटेंशन है ना, जो ये जो नज़रबंदी का काम है, किसका? पुराने चीफ मिनिस्टर्स का। और कहाँ पे? किसके अंदर? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर। ये एक एक्ट है PSA। कह रहे जो नज़रबंदी का काम है ना सेट के अंदर, वो कर देगा डिले, वो कर देगा जो है लंबा खींच देगा, देरी में ले आएगा। किसको? रिटर्न्स को, वापसी को, नॉर्मलसी की, फिर से सामान्य स्थिति की, मामूली हालात की, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो आपने नज़रबंदी करके रखी है उससे नॉर्मल सी आने वाली नहीं है। अब इन वर्ड्स को नोट कर लें। डिटेंशन मतलब नज़रबंदी होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अपने पास, कन्फाइनमेंट। डिटेंशन और अरेस्ट में फ़र्क होता है। अरेस्ट में आप हिरासत में ले लेते हो, डिटेंशन में आप क्या करते हो? किसी को लेकर के नहीं जाते हो, जहाँ पे वो आदमी बैठा है अपने घर में, अपनी दुकान में, वहीं पे उसको पकड़ के रखते हो, बोले अब मैं तुम्हें जाने कहीं नहीं दूंगा। डिटेंशन मतलब आपको अपने घर के अंदर डिटेन कर लिया एक तरह से। क्वारंटीन, इसीलिए इसका एक सिनोनिम है। आपके एंटीवायरस है ना, जनरली किसी भी जो उनको मैलवेयर मिलता है कंप्यूटर में, उसको क्वारंटीन करते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक डिलीट नहीं करेंगे। नॉर्मलसी को नोट कर लें। नॉर्मलसी को नॉर्मलिटी बोलते हैं। एक इसके लिए बहुत अच्छा फ्रेज है, बिजनेस एज यूजुअल कंडीशन। जब नॉर्मलसी होगी तो आप क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज बिजनेस एज यूजुअल। चलिए, सेंटेंस की पार्सिंग आप करना जानते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, हमेशा सेंटेंसेस को हमेशा तोड़ करके चलें, हर वर्ड को उसकी जगह बताएं, ताकि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो सके ग्रामर क्या होती है, कैसे बनती है। इस सेंटेंस को मैं तोड़ता हूँ। डिटेंशन एक नाउन आया। अब ये नाउन किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है? नहीं है। इससे पहले कोई वर्ब है? नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यही नाउन जो है ना, डिटेंशन नाम का, ये हमारा सब्जेक्ट है। चलो इसको अलग कर दें, मैंने ग्रीन कर रखा है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में एक नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट बन के, ये आप जानते हैं ना। देखो, फॉर्मर आया, फॉर्मर एक एडजेक्टिव होता है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड नहीं आया। इसका मतलब ये है, इसके बाद में जो आएगा ना वो इसका ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मर इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। डिटेंशन ऑफ CMs, CMs कौन से? फॉर्मर CMs, फॉर्मर मतलब एडजेक्टिव। देखो, फिर अंडर प्रीपोजिशन आई, प्रीपोजिशन के बाद में एक दूसरा एडजेक्टिव आएगा। हमारे पास एक एक्ट का नाम आया हुआ है, दूसरा नाउन आएगा, है ना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये पूरा का पूरा एक ही नाउन है, सिंगल एक्ट का नाम है, इस अंडर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए हेल्पिंग वर्ब विल, एक मॉडल वर्ब होती है, अपने बाद में एक मेन वर्ब जरूर लेगी, मेन वर्ब होगी डिले। तो देखो, सब्जेक्ट डिटेंशन और विल डिले वर्ब होगी, है ना। अब देखो, रिटर्न क्या है यहाँ पे? डिले के जस्ट बाद आया ना, तो इस डिले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसकी पहचान क्या है? जो चीज वर्ब का व्हाट या हुम का रिप्लाई दे दे, क्या या कौन का रिप्लाई दे दे, वो ऑब्जेक्ट होती है। डिले किसको करेगी?
रिटर्न को, समझ गए, किसका जवाब दे दिया ना, किसको, होम। तो यहाँ पे होम का जवाब देने वाली रिटर्न जो है ना नाउन बन गया ऑब्जेक्ट इस डिले का। फिर आ गई ऑफ जो आपकी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में नॉर्मल सी नाम का एक नाउन आ गया, इन एक प्रपोजिशन आ गई, उसके बाद में जी एंड के नाम की एक जगह आ गई, जगहें भी नाउन होती है, प्लेसेज भी नाउन होते हैं। इस तरीके से आप हर वर्ड को तोड़ करके बता सकते हैं वो क्या काम कर रहा है। सेंटेंस है यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टेंसेज आपने मेरे साथ सीख लिए हैं, और अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो भाई यहाँ जाना, सारी ग्रामर बिगनिंग से मैंने सिखाई हुई है। फटाफट से शुरू करूंगा, देर नहीं करेंगे। एक छोटी सी मैं आपको समरी दे देता हूँ। हुआ ये है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी गवर्नमेंट ने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनको जिनको पकड़ के रखा था ना अगस्त से, उनके ऊपर PSA लगा दी है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। एडोलियर ये कह रहा है आपने PSA लगाने के पीछे जो रीज़न बताए वो बड़े फुलिश हैं, बड़े भयानक हैं, आपको देख करके लगता है कि आप अपनी दादागिरी कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट यहाँ पे नहीं बनता है। दूसरी चीज़, ये मूर्खता जो आप 6 महीने से कर रहे हो ना, इसको एक्सटेंड मत करो। आखिर के अंदर यही लीडर्स वो हैं जो जम्मू कश्मीर में आप लोगों के लिए विश्वास जीत पाएंगे। ये वो लीडर्स हैं जो आपकी सरकार को, जो आपकी बात को है ना जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर के लोगों तक रख पाएंगे। इनको पकड़ करके आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है लंबा गेम, ठीक है। चलिए, खैर, 6 मंथ्स आफ्टर द BJP गवर्नमेंट एट द सेंटर रिवोक द स्पेशल कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जे एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, एंड रिड्यूस्ड इट टू 2 यूनियन टेरिटरीज। अब देखो यहाँ लग गया कोमा, सेंटेंस लंबा है, ये रुक जाओ। कह रहे 6 महीने बाद, और किस चीज़ के, जब BJP गवर्नमेंट ने, और क्या किया, सेंटर के अंदर रिवोक कर दिया, इसने हटा दिया खास संवैधानिक दर्जे को, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को, और किसका, ऑफ लगा के बता रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो एक तो इसने ये काम कर दिया रिवोक करने का, अच्छा, और दूसरा काम क्या किया, एंड लगा के बता रहा है, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया इसको, इट कहाँ पे, टू यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज में, मतलब तोड़ के इसकी 2 UTs बना दी। कह रहे इसके 6 महीने बाद हुआ क्या, सेवरल सीनियर लीडर्स ऑफ द अर्सवाइल स्टेट कंटिन्यू टू बी इन डिटेंशन। बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो है ना, नेता हैं उस स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट के, जो कि अर्सवाइल थी, मतलब उस टाइम की थी, आज तो वो स्टेट है नहीं ना, अब तो UT है, तो बहुत सारे लीडर्स, सीनियर लीडर्स उस टाइम जो स्टेट हुआ करती थी उसके, कंटिन्यू हैं, जारी हैं, होना अभी भी डिटेंशन के अंदर, नज़रबंदी के अंदर। इस तरह से सेंटेंस सिंपल है, थोड़ा लंबा जरूर है, पर बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में हमने इसको तोड़ दिया है। करना आपको क्या है, सारे के सारे ग्रीन्स मैंने सब्जेक्ट बनाए हुए हैं, सारी की सारी वर्ब्स को मैंने प्रिंट किया हुआ है, आप भी देखो आपके भी यही सब्जेक्ट बनने चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट, इसकी वर्ब होगी रिवोक, और इसकी एंड लगा के दूसरी वर्ब होगी रिड्यूस्ड। फिर आगे लीडर्स, लीडर्स जो हैं कंटिन्यू टू बी हैं, ये इसकी वर्ब आ गई। डिटेंशन और अर्स्टवाइल, यहाँ पे 2 स्पेशल वर्ड्स हैं, मैंने इनके मतलब लिखे हुए हैं। डिटेंशन को यूज़ करके देखें आप, डिटेंशन क्या होती है, नज़रबंदी। जब भी आप किसी को डिटेन करेंगे, आपको मैंने बता दिया, उसको नज़रबंद करेंगे आप। अर्स्टवाइल का मतलब होता है उस टाइम का, मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ फटाफट आपको। मैं ये बोलना चाहूँ कि PM साहब ने रफ़ाल हेलीकॉप्टर्स खरीदे। अब आप मेरे से पूछ लो, अच्छा कौन से PM साहब ने, नेहरू साहब ने? मैं कहना चाहूँगा कि PM साहब जो 1999 में थे या 91 के अंदर थे, उन्होंने रफ़ाल जो है हेलीकॉप्टर खरीदे। अब इसी बात को मुझे कहना है तो मैं कैसे बोलूँगा, PM ऑफ 1991 बॉट रफ़ाल हेलीकॉप्टर्स, मैं ऐसे बोलूँगा ना। अब इसको बोलने का एक दूसरा तरीका है, इस अर्स्टवाइल से मैं बोलूँगा, अर्स्टवाइल PM इन 1991 बॉट रफ़ाल हेलीकॉप्टर्स, समझ गए। अर्स्टवाइल बोल के मैंने क्या बता दिया, 1991 में जो हुआ करते थे। चलिए, कह रहा ऑन थर्सडे, गुरुवार को, द कॉन्ट्रोवर्शियल पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये जो बड़ा ही विवादास्पद है, कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। कह रहा है जो एक्ट है ना PSA, वॉज इन्वोक्ड, इसको इन्वोक किया गया था किसके खिलाफ, अगेंस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती, इन दोनों के खिलाफ। कह रहा है अमंग अदर्स, मतलब कई दूसरे लोगों के बीच में इन दोनों का नाम है, कई लोगों के खिलाफ किया गया था इन्वोक, पर इन दोनों का नाम भी उन दोनों में से ही आता है। अब आप ध्यान देंगे तो ये वॉज इन्वोक्ड पैसिव वॉइस है, एक्ट को इन्वोक किया गया था, एक्ट के ऊपर काम हुआ है, एक्ट को जगाया गया है, एक्ट ने किसी को नहीं जगाया है। अगर यहाँ पे मैं वॉज निकाल लूँ तो ये रह जाएगा एक्टिव सेंटेंस, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन्वोक्ड, उसने किसी को जगा दिया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन्वोक और रिवोक दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, रिवोक मतलब वापस लेना, इन्वोक मतलब किसी चीज़ को लगा देना। रिवोक के सिनोनिम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एंटोनिम आप देखें तो इन्वोक ही है इसका एंटोनिम। कह रहा है दे वर इन प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट चार्जेस अंटिल देन, वो थे। अब देखो दे किसके लिए लगा है, ये सब लोगों के लिए लगा है जिनके ऊपर PSA लगा है गुरुवार को, तो ये दे प्रोनाउन को समझे आप किसके लिए लगाए। कह रहा है वो लोग थे प्रिवेंटिव डिटेंशन में,
ऐसी नज़रबंदी में जो प्रिवेंशन के लिए थी, बचाव के लिए थी, प्रतिबंधों के लिए थी, और किसके कैसे थे, विदाउट चार्जेस अनटिल देन, बिना चार्जेस के थे, बिना किसी ब्लेम आरोप के थे, अनटिल देन मतलब तब तक। तो अब लगा इन पे 6 महीने के बाद, 6 महीने से बिना किसी ब्लेम के चार्जेस के उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ था। प्रिवेंटिव वर्ड को समझे एडजेक्टिव है यहाँ पे, जब आप किसी को प्रिवेंटिव करते हो ना कोई काम, मतलब आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है, हम आपको इसलिए डिटेन कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ गलत काम कर जाओगे, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको डिटेन कर रहे हैं, तो ये हो गई प्रिवेंटिव डिटेंशन। दे सब्जेक्ट वर वर्ब, अनटिल में एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कई बार आप देखोगे टिल, कई बार देखोगे अनटिल, दोनों का मतलब एक ही है। टिल एंड अनटिल आर सिनोनिमस टू ईच अदर। अनटिल जो है थोड़ा सा फॉर्मल है, टिल जो है इनफॉर्मल है। अब इन दोनों में एक फ़र्क ये है, टिल में आता है डबल एल, अनटिल में आता है सिंगल एल। अनटिल में डबल एल लगा करके एरर के इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेलिंग में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता होगा। डबल एल लगाऊंगा तो अनटिल गलत हो जाएगा, अनटिल में सिंगल एल आता है लास्ट के अंदर। इन दोनों का एक रूल भी है, अनटिल और टिल इन दोनों के बाद में कभी भी नॉट वाला जो है ना क्लॉज नहीं आएगा, कभी भी इसके बाद ऐसा नहीं लिखोगे अनटिल यू डो नॉट कम टू माई हाउस, है ना, नॉट नहीं आएगा इनके बाद, हमेशा ध्यान रखें एरर क्वेश्चन के अंदर करेक्शन में आएगा ये। कह रहे द 83 ईयर ओल्ड फारूक अब्दुल्ला, कह रहे 83 साल के जो अब्दुल्ला साहब है ना, अब ये हैं कौन, अनदर फॉर्मर PM, दूसरे एक पुराने PM हमारे CM सॉरी चीफ मिनिस्टर। कह रहे जो फारूक अब्दुल्ला है ना, हैड अर्लियर बीन डिटेन्ड, वो भी अर्लियर पहले डिटेन किए जा चुके थे, और कैसे, अंडर द PSA, इस PSA नाम के एक्ट के अंदर में। कह रहा एंड ही रिमेन्स इन डिटेंशन, और वो अभी भी बने हुए हैं डिटेंशन के अंदर, नज़रबंदी के अंदर, तो इनको भी नज़रबंद अभी तक रखा गया है। कह रहा देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्रिजनर्स और द फ्यूचर कोर्स फॉर J&K। कह रहा वहाँ नहीं है, या यूँ बोलूँ देयर इज वहाँ है कोई भी नहीं क्लैरिटी, पारदर्शिता, सफाई बारे में रिगार्डिंग जितने प्रिजनर्स हैं, नंबर ऑफ प्रिजनर्स, और किस बारे में, जो फ्यूचर रास्ता है, भविष्य का रास्ता है जम्मू एंड कश्मीर का, कोर्स मतलब पाथ रास्ता। कह रहे बावजूद डिस्पाइट द एलेबोरेट रिटोरिक फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बड़ा एलेबोरेट, जो बड़े जटिल सा रिटोरिक दिया, स्पीच दिया, भाषण दिया नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन पार्लियामेंट संसद भवन में ऑन थर्सडे गुरुवार को ऑन द सब्जेक्ट इस मुद्दे पे, समझ गए। कह रहे कोई भी क्लैरिटी नहीं है कितने प्रिजनर्स आपने पकड़े हैं और फ्यूचर J&K का क्या है, खाली अब बातचीत कर रहे हो पार्लियामेंट में, बड़े जटिल से इलेबोरेट से रिटोरिक दे रहे हो, भाषण दे रहे हो कि आप जो है इस मुद्दे के ऊपर क्या करना चाह रहे हो। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देख लो, देर आ गया सब्जेक्ट, इज हो गई इसकी वर्ब, इज अकेला आया है हेल्पिंग वर्ब बन गया है, जब भी बी फैमिली की वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के आए, अकेली हेल्प खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाए, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में एक नाउन या एडजेक्टिव आएगा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे आया एक क्लैरिटी नाम का, क्या है क्लैरिटी, एक नाउन। क्लैरिटी को क्या बोलते हैं, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अनएम्बिग्यूटी, इस ये दोनों इसके सिनोनिम है। तो क्लैरिटी और देयर जो है ना आपस में क्या हो गए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझ गए इतनी चीज़, रिपीट करवा रहा हूँ मैं आपको खाली। कोर्स होता है रास्ता, कोर्स होता है पाथ, आपने वो जो फ्रेज सुना होगा व्हाट इज़ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य का क्या रास्ता है बताओ मुझे, आगे आप क्या करने वाले हो, किस रास्ते जाने वाले हो, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। डिस्पाइट आप जानते हैं बावजूद, इलेबोरेट होती है हर वो चीज़ जो बड़ी सजी धजी हो, जटिल हो, जो सीधी नहीं हो वो होती है इलेबोरेट। तो डेकोरेटेड बोल दूँ सजी धजी, एम्बेलिश्ड बोल दूँ सजी धजी, गार्निश्ड बोल दूँ सजी धजी, सोफेस्टिकेटेड बोल दूँ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोफेस्टिकेटेड। रिटोरिक के भी सिनोनिम नोट कर लें, मैग्नीलोक्वेंस बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका। चलिए कह रहा विद द डल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के डल्यूशन के साथ ही। डल्यूशन मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, जब दूध में पानी मिलाते हो तो दूध को कमज़ोर बनाते हो, आप डाइल्यूट कर देते हो, तो आर्टिकल 370 के कमज़ोर बनने के साथ ही, इसके ढह जाने के साथ ही। अब देखो कौन सा आर्टिकल है, That accorded special status to J&K, जिसने अकॉर्ड किया था, दिया था खास दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को, और कब हुआ है डल्यूशन, इन अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल के अगस्त में। कह रहे इसके साथ ही विद, कह रहे द रीजन, ये जो एरिया है हैज़ नाउ बिन फुली इंटेग्रेटेड विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये अब पूरी तरह इंटेग्रेट हो गया है, मिल गया करके बाकी बचे हुए देश के साथ। अब कोमल क्या कह रहे द PM क्लेम्ड, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा दावा किया, ये पूरी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावा किया ऐसा। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, इसकी वर्ब आ गई अकॉर्डेड, रीजन आया, इसके बाद इसकी वर्ब आ गई बीन इंटीग्रेटेड, हैज़ भी इसकी जो ना वर्ब है, हैज़ को भी मैं
हैज़ बीन इंटीग्रेटेड एक्चुअल में इसकी वर्ब का जो पार्ट। अब मेरे से कोई पूछे सर ये डायल्यूशन भी तो नाउन आया हुआ है ये क्यों वर्ब नहीं है, ये मेरे भाई विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बना है तो हमारा जो है नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो ही बात मैं आर्टिकल 370 के लिए बोलूँगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। चलिए करेक्ट इंडीड वास्तव में द मेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर डिप्लॉयड इन जेन के हैव सीन्स दैन डेंजरस स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। कह रहे वास्तव में जो बुरी भावना वाले मेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं ऐसी चीज़ जिसका आप सहारा लेके कुछ काम करो, इंस्ट्रूमेंट वही होता है ना उपकरण औजार। तो कह रहे बुरी भावना वाले जिन कदमों को जिन औजारों को और किस चीज़ के औजार हैं शक्ति के सत्ता के पावर के, और ये क्या है जो कि डिप्लॉयड हैं जब जे एंड के में जिनको यूज इस्तेमाल में लिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। कह रहा हैव सिंस तब से देन सिंस देन तब से डेंजरस स्प्रेड बड़े डेंजरस रूप से भयानक रूप से हैव स्प्रेड हो गए हैं फैल गए हैं कहाँ पे टू अदर पार्ट्स दूसरे पार्ट्स की तरफ दूसरे हिस्सों की तरफ। अब देखो हाइफन लगा के बता रहा है कौन कौन से पार्ट में कैसे कैसे फैले हैं। कह रहे द क्रैकडाउन ऑन लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पहली चीज़ तो क्रैकडाउन जो कड़ी कार्रवाई हो रही है ना सही साफ पॉलिटिकल सियासी एक्टिविटीज़ के ऊपर देश भर में हो रही है ना, कोई भी पॉलिटिकली आपको सही बात बोलो आप पे क्रैकडाउन आ जाएगा, आपको देशद्रोह का जो है आप पे आरोप लगा करके सेडिशन का आपको अंदर कर देंगे। अच्छा दूसरी चीज़ द विलिफिकेशन ऑफ लीडर्स क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट एज एंटी इंडिया, दूसरा काम है विलिफिकेशन करने का विलन बना देने का बदनाम कर देने का उन लीडर्स को जो क्रिटिसिज्म करें जो सरकार के खिलाफ हों, और बदनाम कैसे हो गए एज एंटी इंडिया उनको एंटी इंडिया बता देने का, बोलो पाकिस्तानी हो तुम तो। अच्छा तीसरा काम क्या एंड हाई हैंडेड पॉलिसिंग, ऐसी पॉलिसिंग जो मनमानी है कह रहे दैट इज नॉट मेरली कंडोन्ड, जिसको ना केवल नज़रअंदाज किया जा रहा है बट ग्लोरीफाइड साथ साथ उसको आसमान पर भी चढ़ाया जा रहा है गौरवान्वित किया जा रहा है। अब देखिए सेंटेंस जो है ना वो इतना बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसके हमने सारे पार्ट्स कर दिए हैं। अब मैं एक बार सारे पार्ट्स जोड़ता हूँ आप देखना इतना क्रिस्टल क्लियर होगा आपके दिमाग में। कह रहे वास्तव में इंडीड जो बुरी भावना से इंस्ट्रूमेंट हैं जो गंदी भावना के दुर्भाग्यवश जो हमारे पास औजार हैं पावर के जो कि डिप्लॉयड हैं जम्मू एंड कश्मीर में, कह रहे ये जो मेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट है ना इन्होंने तब से बड़े खतरनाक तरीके से स्प्रेड हो गए हैं अदर पार्ट्स में, हैव स्प्रेड दूसरे हिस्सों में भी फैल गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है देश के, एक तो हो रहा है क्रैकडाउन जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है सही साफ पाक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर है ना, पॉलिटिकली आपकी किसी की बात आप सुन भी नहीं सकते कड़ी कार्रवाई कर रहे हो उस पर। दूसरा क्या कर रहे हो बदनामी कर रहे हो विलिफिकेशन कर रहे हो उन नेताओं की जो सरकार के लिए क्रिटिकल हैं सरकार के लिए बुराई सरकार की बुराई करते हैं क्रिटिक्स हैं सरकार के, और बदनामी कैसे करते हो ऐसा लगा के बता रहा है एंटी इंडिया उनको बोल करके आप उनको बोल देते हो ये तो जो है माओवादी हैं ये तो है ना अर्बन नक्सल हैं ये तो पाकिस्तानी हैं ऐसे बोल देते हो उनको। और तीसरा काम क्या कर रहे हो आप हाई हैंडेड पॉलिसिंग कर रहे हो, ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिसमें मनमानापन है, और वो पॉलिसी क्या हो रही है ना केवल उसको कंडोन किया जा रहा है जो नज़रअंदाज किया जा रहा है बल्कि उसको किया जा रहा है ग्लोरीफाइड उसको जो है आसमान पर चढ़ाया जा रहा है उसकी प्रशंसा की जा रही है, जो अंधभक्त होते हैं सरकार के वो ऐसा कह रहे हैं ना अरे अरे सरकार ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया है ना मनमानी पॉलिसिंग के लिए। अब इस सेंटेंस के अंदर की चीज़ें देखो आप इंडीड मतलब वास्तव में आप इसको रियली बोल सकते हो है ना एक्चुअली बोल सकते हो, मैलेवोलेंट वर्ड को आपने बताया दुर्भावनापूर्ण इसको याद करना हो कैसे याद करना है आपको, देखिए मैल मतलब गलत एम ए एल ई मैले जो लगता है ना इसका मतलब होता है गलत, वोलेंस क्या होती है आपकी भावना, मैलेवोलेंट मतलब जो है गलत भावना, इसका मैं उल्टा कर दूं तो मैले का जो एंटोनिम होता है वो होता है बैने, तो मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो बन जाएगा बेनेवोलेंट मतलब अच्छी भावना, समझ रहे बात को मैलेवोलेंट बुरी भावना मैलेवोलेंट अच्छी भावना। अच्छा इसके सिनोनिम हेटफुल जिसमें जो है आपके लिए नफरत भरी हो, मैलिशियस जो आपके लिए ख़राब हो, मलिग्नेंट जो आपकी बदनामी करे, ये सब मैलेवोलेंट होते हैं, तो ये हो गया इसके सिनोनिम ये हो गया इसका एंटोनिम, इस तरह से याद रखें मैले जो है मैले रूट को याद रख लें आपको सब याद हो जाएगा। चलिए डिप्लॉय मतलब काम पे लगाना बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव स्प्रेड समझ गए ना। अच्छा क्रैक डाउन वर्ड क्या होता है कड़ी कार्रवाई, अब कड़ी कार्रवाई को मैं क्या बोल सकता हूँ स्ट्राइक जोर से किसी पे चोट मारना, सपरेशन जो आप दबा देते हो कुचल देते हो, क्लैंप डाउन क्लैंप मतलब शिकंजा डाउन मतलब नीचे शिकंजे के अंदर लेकर के किसी को नीचे पटक लेना क्लैंप डाउन कर लेना कड़ी कार्रवाई करना सारे इसके सुनने में क्रैक डाउन के। लेजिटिमेट आप जानते हैं जो सही है ऑथेंटिक है जेन्युइन है अप्रोप्रिएट है, विलिफिकेशन इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, डेफेमेशन बोल दो बदनामी, स्लेंडर बोल दो बदनामी,
करेक्टर असैसिनेशन बोल दो, बदनामी, विलिफिकेशन के यही सब सिनोनिम्स हैं। नोट करेंगे तभी याद रहेगा। हाई हैंडेड मैंने आपको दो दिन पहले बताया था, जब आप हाई हैंडेड होते हो ना तो अपना हाथ हमेशा लोगों के ऊपर रखते हो, आप क्या बोलते हो, आप मेरे से छोटे। हाई हैंडेड हो आप, मतलब आप क्या हो, मनमानी काम करते हो, दमनकारी काम करते हो, इसलिए आपको मैं बोलूँगा आर्बिट्ररी हैं आप, है ना, अपने हिसाब से कुछ भी कर देते हैं। और आप ऑटोक्रेटिक भी हैं, तानाशाह भी हैं, और आप ऑपरेसिव भी हैं, आप दमन भी करते हैं, लोगों की बात को सुनते नहीं हैं, आप हैं हाई हैंडेड। कंडोन जो वर्ड है ये मैं कई बार बता चुका हूँ, नज़रअंदाज करना। अगर आपको याद है कंडोन वर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, आपको यहाँ पे भी छोटा चैलेंज देता हूँ, वीडियो को स्टॉप करें, कंडोन वर्ड को एक छोटे सेंटेंस में चाहे चार वर्ड्स का हो यूज़ करके दिखाएं, कोई भी सेंटेंस में बना दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें भी बनाएं, पर जरूर लिखें चार वर्ड्स ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। ग्लोरीफाई मतलब किसी को बहुत आसमान करना, आसमान पे चढ़ा देना, सारे सिनोनिम्स हैं। देखिए थोड़ा सा रिच है वोकैबुलरी रिच, मैं इसलिए इस पर टाइम भी दे रहा हूँ, जो टाइम दे रहा हूँ उसको जस्टिफाई जरूर करें इन चीज़ों को याद करके लिख करके। कह रहे तो पीएम डिफेंडेड, पीएम साहब ने डिफेंड कर दिया, हिफाजत कर ली, किस चीज़ की, द इंडेफिनिट एंड आर्बिट्ररी डिटेंशन ऑफ पीपल। जो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, और आर्बिट्ररी, ये आपको मैंने बताया था ना अभी, हाई हैंडेड, दमनकारी, आर्बिट्ररी, और जो दमनकारी है, जो मनमाना डिटेंशन है, नज़रबंद है ऑफ पीपल, लोगों का, अब इसको कैसे डिफेंड किया, एज इसेंशियल, एक इसेंशियल चीज़ की तरह डिफेंड किया, खुला बोलेंगे जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा और क्या किया इन्होंने, एंड अक्यूज्ड, और इन्होंने अक्यूज कर दिया, जो इन्होंने आरोप लगा दिए, किसको, द फॉर्मर सीएम्स को, पुराने हमारे सीएम्स को, अक्यूज ऑफ करके क्या बता रहा है, मेकिंग अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, अक्यूज़ किया इनको बनाने का, बोलने का, ऐसी स्टेटमेंट्स का जो है अनएक्सेप्टेबल, जिनको हम एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे पीएम ने बोला कि इसलिए मैं इनको आर्बिट्रेरली इनडेफिनिट डिटेंशन में रख रहा हूँ, ऐसे डिफेंड किया, समझ गए। पीएम वर्ब, वर्ब दो वर्ब्स आई हैं एक ही सब्जेक्ट की, अक्यूज के बाद में फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ, फिक्स प्रपोजिशन में आपको खबरी भी करवाऊंगा आज या प्रोबेबली कल सुबह में, पार्ट 27 खबरी भी अपलोड हो जाएगा 30 डे वोकैबुलरी चैलेंज का, इसके बाद फिक्स प्रपोजिशन को हम शुरू करेंगे। कह रहा है इफ द एग्जीक्यूटिव वर टू ड्रॉ बाउंड्रीज ऑन व्हाट स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेबल, कह रहा है अगर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है ना वो ड्रॉ कर दें, वर टू ड्रॉ बाउंड्रीज, वर टू इज टू, आर टू, एम टू, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, बीच में गोइंग लगा दें आप तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। अगर एग्जीक्यूटिव जो है हमारी, हमारी कार्यपालिका है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ड्रॉ करने वाले हैं बाउंड्रीज को, उन सीमाओं को, उस चीज़ पे कि कौन सी स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं, स्वीकार, स्वीकार करने योग्य हैं, और क्या करने वाले हैं, एंड एरोगेट टू इटसेल्फ, ये आपको याद है ना थोड़े दिन पहले बताया था, एरोगेट टू वन सेल्फ मतलब किसी चीज़ का ठेका ले लेना, और वो ठेका लेने वाले हैं किस चीज़ का, अथॉरिटी का, उस ताकत का, टू पनिश एक्सेप्टेबल वंस, पनिश करने का ऐसी चीज़ों को जो अनएक्सेप्टेबल है ना, खुद ही वो डिसाइड करेंगे उन सीमाओं को और खुद ही ठेका ले लेंगे जिन्होंने पार किए उनको जो है पनिश करने का, अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा करने वाले हैं तो। कह रहा है इट वुड बी, ये होगा डेंजरस, बड़े खतरनाक, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, एक ऐसे गणतंत्र के लिए जो संवैधानिक है ना, अगर एग्जीक्यूटिव को ऐसी पावर मिल गई, आप ही बता दो कौन गलत है और आप ही बता दो उसके साथ क्या किया जाए, तो डेमोक्रेसी गई गंदे नाले में। चलो कह रहे द सुप्रीम कोर्ट हैड इन जनवरी चाइडेड द गवर्नमेंट फॉर द इंडेफिनिट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट इन जे एंड के, जो हमारी एससी है ना वो हैड चाइडेड, पास परफेक्ट टेंस में लताड़ चुकी है, कब, जनवरी के अंदर, चाइड मतलब लताड़ना, और किस बात पे, किसको, सरकार को, और क्यों, उस इंडेफिनिट रिस्ट्रिक्शन के लिए, उस रोकने के लिए, रोक के लिए जो बड़ी थी इंडेफिनिट, जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं थी ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कह रहे इसके बाद क्या हुआ, फॉलोइंग विच, जिसके बाद, फॉलोइंग मच विच मतलब आफ्टर विच, कह रहे सर्विसेज हैव बीन पार्शली रिस्टोर्ड, सर्विसेज जो है ना आधे रूप से, आंशिक रूप से पैसिव वॉइस में रिस्टोर की जा चुकी हैं, फिर से पुराने हालतों में लाई जा चुकी हैं। पार्शली का क्या मतलब है, 4G की जगह आपने 2G दे दिया, कश्मीर के 12 जिलों की जगह आपने 10 जिलों में दे दिया, मेरे को नहीं पता कितने जिले हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उससे कम में दिया होगा और कम स्पीड वाली इंटरनेट सर्विसेज दी हैं। सेंटेंस आप समझ गए, सिंपल सेंटेंस है, चाइल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, लटाड़ना, सारे सिनोनिम्स के आप मेरे साथ जानते हैं, देखें आपने, एडमोनिश, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड एंड रिब्यूक, सारों का, चारों का मतलब एक ही है। कह रहे द कोर्ट साइटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोर्ट ने साइट किया था, हवाला दिया था उस कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक गारंटी को, जो कि किसकी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके बोलने के अधिकार की थी, है ना। कह रहा है एंड
also criticized the frequent and widespread use of section 144 by governments. साथ ही साथ इसी कोर्ट ने दूसरी वर्ब यूज करते हुए criticize नाम की criticize कर दिया उस frequent बार बार होने वाले और widespread हर तरफ फैलने वाले उस यूज़ को सेक्शन 144 के सरकार के द्वारा. समझ गए? पहला तो बोला आप लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्यों दबा के बैठे हो, इंटरनेट यूज़ करने दो इनको. फिर बोला क्रिटिसाइज करके बार बार सारे देश के अंदर वाइड स्प्रेड क्यों सेक्शन 144 लगा देते हो जहां आपको लगता है आपकी सरकार गिरेगी. अब देखो क्रिटिसाइज आप जानते हैं, साइट आप जानते हैं, दोनों का सब्जेक्ट कोर्ट ही है. वाइड स्प्रेड भी आप जानते हैं, जो स्प्रेड हो फैला हो वाइड बहुत बड़े एरिया में, इसलिए मैं इसको बोलूँगा हर तरफ फैला हुआ एक्सटेंसिव, या मैं बोलूँगा ओमनी प्रेजेंट जो हर तरफ है. यूबीक्यूटस भी हो सकता है ना, यूबीक्यूटस मतलब जो पैन इंडिया हो, चीज जो हर जगह हो वो यूबीक्यूटस. चलिए कह रहे वाइल द कोर्ट ऑर्डर वॉज राउजिंग इन इट्स ओन, जहाँ कोर्ट का जो ऑर्डर था वो राउजिंग था, उत्तेजक था, गर्मजोशी भरा था इन इट्स टोन, अपनी टोन के अंदर. कौन सा ऑर्डर? ये ऊपर वाला ऑर्डर कि इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर करो. कह रहे जहाँ ये ऑर्डर बड़ा गर्मजोशी भरा था अपनी टोन के अंदर, कह रहे इट डिड लिटल, इसने किया ना के बराबर क्या करने में, टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, सरकार पे रिस्ट्रेन करने में, इनके घोड़े पे लगाम लगाने में. रिस्ट्रेन तो आप जान गए ना, किसी के ऊपर लगाम लगाना, रोक लगाना, रिस्ट्रेन करना होता है. तो कह रहे भरे बहुत गर्मजोशी थी आपकी टोन के अंदर, पर आपके ऑर्डर का सरकार के ऊपर कान के ऊपर जूं नहीं रहेंगी. वॉज राउजिंग में राउजिंग वर्ड के मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं एंथुजियास्टिक, स्पिरिटेड. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये ऐसा नहीं है आई वॉज प्लेइंग, शी वॉज ईटिंग, ही इज गेटिंग मैरिड, ऐसा नहीं है ये. तो ये वॉज नाम की लिंकिंग वर्ब कोर्ट ऑर्डर और राउजिंग को आपस में कनेक्ट कर रही है. राउजिंग एक एडजेक्टिव है, अभी सर्च करें इसको डिक्शनरी में आपको पता लगेगा राउजिंग इज एन एडजेक्टिव. चलिए अ लिटल जब भी आ जाए अ या द के बिना, अ लिटल या द लिटल ना लिखाओ तो मतलब होता है ना के बराबर. कर द चेंजेस टू द आर्टिकल 370 एंड द मैनर इन विच दे वर अफेक्टेड, कर जो बदलाव आए हैं आर्टिकल 370 के अंदर और वो तरीका जिसके अंदर इनको इफेक्ट किया गया, अमल में लाया गया इन बदलावों को, कह रहा आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द टॉप कोर्ट, वो कंसिडरेशन के अंदर है, वो टॉप कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की उसके जो है विचाराधीन है. कंसिडरेशन मतलब टॉप कोर्ट इनके बारे में भी सोच रही है, फैसला दिया नहीं है. अब देखो टॉप कोर्ट के बारे में बता रहा है विच हैज़ नॉट शोन द सेंस ऑफ अर्जेंसी, जिसने नहीं दिखाया है उस सेंस को अर्जेंसी के. अर्जेंसी क्या होती है? एक किसी चीज़ को आप जो तत्काल में करते हो ना इमरजेंसी में, उसको कहते हैं अर्जेंसी. जिसने कोई जल्दी नहीं दिखा रही है और क्या किस चीज़ के बारे में, दीज क्वेश्चंस डिजर्व, जिस अर्जेंसी को ये सवाल डिजर्व करते हैं, ये सवाल जिस अर्जेंसी के लायक है, है ना. तो अंडर कंसिडरेशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठी है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, जो ये क्वेश्चन डिजर्व करते हैं जिस जल्दबाजी को. चलिए कह रहे दो द बीजेपी हैज ऑलवेज हैड एन आइडियोलॉजिकली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स जे एंड के, थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस है, ध्यान से देखें. कह रहा है हालांकि जो बीजेपी है ना वो हमेशा से रखती आई है एक विचारक रूप से, आइडियोलॉजिकली एक जो विश्वास और आपकी आइडियोलॉजी क्या होती है, आपके मन की स्थिति, आप जिस तरीके से सोचते हो, है ना. तो हमेशा से रखती आई है उस आइडियोलॉजिकली के, आइडियोलॉजिकली एक ऐसी अप्रोच को जो है डिटर्मिनिस्टिक, जो है एकदम फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, सर्टेन है, है ना, इरादों भरी है. और किसके टुवर्ड्स? टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर के. कह रहे हालांकि, कह रहे इट्स पॉलिसी हैज़ बीन नथिंग मोर देन इम्प्रोवाइजेशन, इसकी जो पॉलिसी है ना वो रही है हैज़ बीन नथिंग, कुछ भी नहीं, मोर ज़्यादा, किससे ज़्यादा, एक इम्प्रोवाइजेशन से, एक अनप्लान्ड एक्टिविटी से. इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है? जब आपको कोई काम करने को दे दें और आपने उसको प्लान नहीं कर रखा हो, फिर भी आप जो है अचानक से स्टेज पे भाषण दे आओ और जो आप अचानक से किसी बड़ी से कंपटीशन के अंदर नाच करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, तो आप इम्प्रोवाइज कर देंगे, है ना, अचानक से आप अपने अंदर की कला को बाहर निकाल देंगे. तो कह रहे हैं हालांकि बीजेपी का स्टैंड तो हमेशा से ही क्लियर था, आइडियोलॉजिकली वो हमेशा से डिटर्मिनिस्टिक रही है, जम्मू एंड कश्मीर का हमें क्या करना है, हमें वहाँ से धारा 370 को निकालना है. कह रहे इसकी पॉलिसी जो दिखा रही है ना ये किसी इम्प्रोवाइजेशन से ज़्यादा नहीं है, ये सबका सिर्फ ये अपनी इसी आइडियोलॉजी के हिसाब से अनप्लान्ड मूव को कर रही है. ये मूव जो है ये करने वाली थी, भले ये प्लान नहीं है आज. चलिए कह रहे एटलीस्ट कम से कम एट दिस लेट आवर, इस बड़े जो है बड़े लेट के वक्त में, लेट आवर का मतलब ये नहीं है अब 8:30 बज रहे हैं तो 8:30 की बात कर रहा है. कह रहा है इतने वक्त बीत जाने के बाद अब जो हुआ है वक्त आ रहा है जो एटलीस्ट इस टाइम, कह रहा है द सेंटर मस्ट मेक, सेंटर को बनाना ही चाहिए एन ऑनेस्ट अप्रोच, एक ईमानदार अप्रोच को टू रीस्टार्ट, फिर से जिंदा करने के लिए
अ पॉलिटिकल प्रोसेस, एक सियासी प्रोसेस को इन द वैली कश्मीर घाटी में, है ना। चाहे कितना भी लेट हो, जो वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, अब तो कम से कम रिस्टार्ट कर दो पॉलिटिकल प्रोसेस को वैली के अंदर। कह रहे इनडिस्क्रीट मूव्स, कह रहे जो हरकतें हैं ना केयरलेस, बिना सावधानी भरी, मूर्खता भरी जो मूव्स हैं, सच एज जैसे कि अटैम्प्ट टू ग्राफ्ट एन इनऑर्गेनिक लेयर ऑफ लीडर्स इन टू वैली। कह रहे जो अटैम्प्ट ग्राफ्ट करने का, रख देने का, ट्रांसप्लांट कर देने का एक ऐसी लेयर को, परत को, जो है इनऑर्गेनिक, जो जेन्युइन नहीं है, जो बोगस है, जो नकली है, और किसकी, लीडर्स की, नेताओं की, कहाँ पे, वैली की पॉलिटिक्स में, कश्मीर की पॉलिटिक्स में। कह रहे ऐसे जो मूव्स है ना आर डेस्टाइन टू फेल, इनकी डेस्टिनी यही है, इनका भाग्य यही है कि ये फेल होंगे, नाकामयाब होंगे। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, रिपीट कर देता हूँ। कह रहे मूर्खता भरी हरकतें हैं, जैसे कि जो कोशिशें आपने कर दी एक इनऑर्गेनिक परत को लीडर्स की ग्राफ्ट करने की, मतलब ऐसे लीडर्स को आप वैली में रखना चाह रहे हो अब जो उस वैली से कभी बिलोंग नहीं करते, समझ रहे हो। आप यहाँ से उठा करके किसी नितिन गडकरी को कश्मीर के अंदर सीएम बनाने की कोशिश करोगे, मतलब आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो जिन लोगों को वहाँ पे सपोर्ट प्राप्त है, जिन लीडर्स को वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, उनको हटा करके एक ऐसी परत ला रहे हो लीडर्स की जो इनऑर्गेनिक है, नकली है, और आप करके आ रहे हो उसको ग्राफ्ट कर रहे हो, जबरदस्ती ट्रांसप्लांट कर रहे हो, है ना, वैली के अंदर, वैली की पॉलिटिक्स के अंदर। तो कह रहे हैं ऐसे इनडिस्क्रिट मूव्स है ना आर डेस्टाइंड, वो डेस्टाइंड हैं, उनका नसीब यही है कि वो फेल होंगे, उनको फेल होने से कोई नहीं रुक सकता। यहाँ पे मूव्स जो है ना सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का, इस वजह से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर कहाँ पे है भाई, यहाँ पे आएगा ग्रीन कलर, देखो। अब आ जाओ इस पे डेस्टाइंड पे, इसको आप जनरली देखोगे पैसिव वॉइस में। मैं तीन सेंटेंसेस बताता हूँ, आपके दिमाग में ना एकदम साफ हो जाएगा डेस्टाइंड कैसे यूज होते हैं। आई एम डेस्टाइंड टू गेट माई ड्रीम जॉब, मैं अपनी ड्रीम जॉब जो है ना लेकर के रहूँगा, मैं लूँ या नहीं लूँ मुझे तो मिलेगी मिलेगी। डेस्टाइंड मतलब मेरे नसीब में लिखा हुआ है, मेरी लकीरें बोलती हैं कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी, आई एम डेस्टाइंड। और देख लो, शी वॉज डेस्टाइंड टू बी सक्सेसफुल, मान लो वो पास हो गई IAS में, तो किसी ने बोल दिया भाई वो तो डेस्टाइंड ही थी सक्सेसफुल होने के लिए, वो नहीं भी पास होती ना तो भी उसके पापा करवा देते उसको पास, उसका तो नसीब ही था, उसको तो होना ही होना था IAS में पास, ठीक। चलो और देख लो, अब एक ड्राइवर है जो रोज़ पी करके गाड़ी चलाता है, अब आपने उसके लिए कह दिया द ड्रंक ड्राइवर वॉज डेस्टाइंड टू डाई इन द एक्सीडेंट, बोले इसके नसीब में मरना लिखा ही था एक एक्सीडेंट में, इसकी डेस्टिनी यही थी। तो इस तरह से आप पैसे वॉइस में डेस्टाइंड जो है ना इस वर्ब को यूज़ करें आगे। चलो आप खुद बना करके देखो, एक सेंटेंस लिख दो, अगर लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, चेक करके बता दूंगा सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। करो विद ऑल देयर फॉलीज, अपनी सब मूर्खताओं के साथ, फॉलीज के साथ, रीजनल आउटफिट्स एंड देयर लीडर्स, जो सारे रीजनल आउटफिट्स हैं, जो वहाँ के लोकल रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो नेता हैं, रिमेन बने हुए हैं इंडियाज बेस्ट बैट इन J&K, इंडिया की बेस्ट बैट, सबसे अच्छा सारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। करे जो भी मूर्खता आप कर रहे हो ना उसके बावजूद वहाँ के लीडर्स ही हैं आपकी बेस्ट बैट हैं, जो कश्मीर के अंदर आपका सारा बन सकते हैं। बेस्ट बैट क्या होती है, बैट होती है जुआ, शर्त लगाना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट बैट वो बैट है जिस बैट को आप जीतोगे, जिस जुए को आप जीतने वाले हो, वो होती है बेस्ट बैट। करे देयर कंटिन्यूइंग डिटेंशन बिट्रेज अ परटर्बिंग लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ दिस बेसिक फैक्ट। कह रहा उनका जो लगातार बना हुआ डिटेंशन है ना, जो नज़रबंदी है, वो एक झलक देती है गलती से एक ऐसे परटर्बिंग डिस्टर्बिंग लैक ऑफ अवेयरनेस की, कमी की नॉलेज की, इस बेसिक फैक्ट की। और बेसिक फैक्ट किसका है, इन डिसीजन मेकिंग में नई दिल्ली की, उनको जो लगातार नई दिल्ली ने पकड़ के रखा है ना, इससे ये चीज़ बिट्रे हो रही है, गलती से पता लग रही है। और बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है ये कि नई दिल्ली को पता ही नहीं है इनका मोल क्या है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो इनका मोल जो बेसिक फैक्ट है ना उसको पता नहीं कर पा रही है, अवेयर नहीं है। बिट्रे वर्ड को नोट ज़रूर करें, इसको मैंने आपको कई बार बताया, जब आप किसी को बिट्रे करते हो तो धोखा भी देते हो, और दूसरा बिट्रे का मतलब होता है गलती से झलक दे देना, जैसे योर स्माइल ऑन माई लॉस बिट्रेस योर ट्रू फीलिंग। मैं हमेशा ही बताता हूँ आपको ताकि आपको रिपीट हो जाए दिमाग के अंदर, आपकी स्माइल मेरे लॉस के ऊपर गलती से झलक देती है आपके ट्रू फीलिंग्स की, जो आपकी मेरे लिए है ना। योर स्माइल ऑन माई लॉस बिट्रेस योर ट्रू फीलिंग टुवर्ड्स मी, ऐसे आप इसको यूज़ करें।
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमेशा की तरह बोलता हूँ, कभी शेयर करना चाहें तो कभी एक बार कर दें, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। फिर इजाज़त लूँगा कल के प्रोबेबली परसों के न्यूज़पेपर के साथ, कल ग्रामर वीडियो करेंगे प्रोबेबली कुछ। साइनिंग आउट।